हमारा फुल मून फिर से एक बार ही आ रहा है। कब आ रहा है? 19th of August। सो क्या करना है ड्यूरिंग दिस टाइम, और क्यों एनर्जीज हाई होती हैं, और अगर एनर्जीज हाई होती हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है स्पेसिफिकली ड्यूरिंग फुल मून टाइम या न्यू मून टाइम। बट आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फुल मून के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली फुल मून। ठीक है, सो देखिए, फुल मून हो चाहे न्यू मून हो, है ना, तो इस टाइम पे जो है एनर्जीज यूनिवर्स में बहुत हाई रहती हैं। और चंद्रमा को हम मानते हैं मन का कारक, यानी कि आपके अंदर, आपके शरीर में, बॉडी में जो है जो पानी की जो मात्रा है ना, जो वाटर है हमारी बॉडी में, वो कितना है? 70%। इनफैक्ट कहते हैं कि मोर देन 70%। तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। सो इसी तरह से जब फुल मून होता है तो हमारे हमारा जो अंदर का जो पानी है, यानी कि बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं स्पेसिफिकली, राइट, सो वो किस तरह से ऊपर नीचे होते हैं। कहा ये जाता है कि दैट ड्यूरिंग फुल मून टाइम जो है जो जो समुद्र का जो पानी होता है, जो ओशियन वाटर रहता है, वहाँ पे उस दिन जो है वेव्स बहुत तेज रहती हैं, लहरें ऊपर नीचे बहुत होती हैं। ठीक है, तो क्या करना है इस टाइम पे कि जिससे कि आपका मन शांत रहे। और ये जरूरी नहीं है कि जो है ये अगर हमारा फुल मून पड़ रहा है 19th of August तो उसी दिन ही ये होगा, नहीं, इसका इफेक्ट दिखाई देने लग जाता है फुल मून से 2 दिन पहले से हमको उसका इफेक्ट दिखाई देने लग जाता है। कैसे पता चलेगा? या तो अगर आप देखें अपने घर में या अपने वर्क प्लेस में, बहुत ज़्यादा अगर आप कि किसी के साथ तू तू मैं हो जाती है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है या आप किसी को समझ नहीं पा रहे हैं फॉर दैट मैटर, सो दैट मीन्स कि वो अपना इफेक्ट दिखाने लग जाता है, राइट। और हो सकता है कि किसी कोई आपके ऐसे दबे हुए इमोशंस हो जो एकदम से निकल के बाहर आए। मान लीजिए कि आप किसी से आपको किसी की बात कोई हर्ट कर गई है ना, आज से कुछ महीनों पहले, और सडनली वो बात निकल के वापस से आपकी लाइफ में आ जाए और आपको दोबारा से उस इंसान के लिए बहुत खराब लग रहा है या गुस्सा आ रहा है या जो भी है, राइट। सो दैट मीन्स कि फुल मून ने अपना जैसे कहते हैं ना कि वो इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया है ना। सो ऐसा रहता है ड्यूरिंग फुल मून टाइम या न्यू मून टाइम, हमारे इमोशंस जो हैं बैलेंस नहीं होते हैं, बहुत हाई चले जाएंगे या तो बिल्कुल ही लो चले जाएंगे, राइट। मगर वो बैलेंस वाली सिचुएशंस नहीं रहती हैं, तो वो कैसे करना है कि आपके इमोशंस हमेशा बैलेंस रहें, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ, राइट। सो क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले फुल मून टाइम रहता है, इस टाइम पे हम लोग करते हैं रिलीजिंग रिचुअल्स, राइट। रिलीज रिचुअल्स यानी कि आप क्या रिलीज आउट करना चाहते हैं, यानी कि आपकी कोई ऐसी कोई बैड मेमोरीज जिसे मैं कहूँगी फ्रॉम योर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। इनफैक्ट इसके लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा नंबर भी है जो आप लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपकी इस लाइफ टाइम की कोई ऐसी मेमोरीज की जिसको सोच के आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप बहुत परेशान या दुखी हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? मतलब आप बहुत टाइम से आप चाह रहे हैं कि उस मेमोरी को आप डिलीट करें अपनी लाइफ में से। ऑफ कोर्स डिलीट इज अनदर स्विच वर्ड, बट आज मैं उसके लिए मैं आपको देने जा रही हूँ एक पावरफुल एंजल नंबर। तो आप ये कर सकते हैं, व्हेन यू वांट टू रिलीज आउट ऑल दोज बैड मेमोरीज फ्रॉम योर दिस लाइफ टाइम, यानी कि कॉन्शियसली, राइट। और तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्यों आप इस लाइफ टाइम में इतना सफर कर रहे हैं, कि क्या वो है जो आपको परेशान कर रहा है, विच मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो हमारे पास्ट लाइफ टाइम के कुछ मेमोरीज होती हैं जो हमें परेशान कर रही होती हैं,
राइट right? सो उसके लिए, इन दोनों सिचुएशंस के लिए मैं आपको एक देने जा रही हूँ पावरफुल एंजल नंबर. आपने इस एंजल नंबर को लिखना है अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे. आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, यू नो, फुल मून टाइम या न्यू मून टाइम पे भी आप कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि इन ये दोनों टाइम पे आपके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं या फियर या एंगजाइटी, राइट, सो क्या करना है, आपने ये नंबर लिखना है. ठीक है, सो नंबर आपका रहेगा 25, गैप थोड़ा सा गैप देंगे डिस्टेंस, एंड देन 37, अगेन थोड़ा सा गैप देंगे, 536. आई रिपीट, 25 गैप इन बिटवीन, 37 गैप अगेन इन बिटवीन, देन 536. ठीक है, सो ये नंबर जो है, इट विल यू नो, इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू डिलीट ऑल दोज बैड मेमोरीज, यू नो, विच आर बॉदरिंग यू, विच आर डिस्टर्बिंग यू, है ना. तो एक ये चीज हो गई. दूसरा, मतलब आप इसको सुबह से लिख कर रख सकते हैं. आप इसको जब भी आपको लगे कि आपको कुछ ऐसी मेमोरीज जिसको सोच के कि आप परेशान हो जाते हैं, तो ये डिलीट करने में, यस, मैं ठीक बोल रही हूँ, इसको डिलीट करने में ये नंबर आपको हेल्प करेगा. ठीक है ना. दूसरा क्या करना है, क्लेंजिंग टाइम है, फुल मून टाइम इज ऑलवेज अ क्लेंजिंग टाइम. तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला कि रिलीजिंग टाइम है, क्लेंजिंग टाइम है, तो क्लेंजिंग तो करना बनता ही है ड्यूरिंग दिस टाइम. तो सबसे पहले अपना ऑरा फील्ड आपने क्लियर करना है विद द, यू नो, हेल्प ऑफ स्मजिंग. अपना ऑरा फील्ड आप करेंगे, अपने पूरे घर की आप क्लेंसिंग कर सकते हैं, अपने पूरे घर की, यू नो, स्मजिंग कर सकते हैं. सो ये आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, व्हेनेवर यू फील लाइक, बिकॉज वो एनर्जीज उस दिन सारा दिन वो हाई रहती हैं. ठीक है, और एक और तरीका है, ये जैसे बेल है ना, सबके घर में, सबके मंदिर में, टेम्पल में बेल रहती है. आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे, ये क्राउन चक्रा है यहाँ पे, यहाँ से घुमाना है, और इसको आप एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते जाएंगे. ठीक है, कुछ इस तरह से. जब हम इस तरह से अपने आसपास ये बेल, यू नो, घुमाते हैं, तो इससे भी हमारा ऑरा जो है क्लेंस होता है. अपने घर को कैसे करेंगे, अपने घर के जो चार कॉर्नर्स है, ठीक है, घर के चार कॉर्नर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई बात नहीं है. आप घर के, अपने रूम, घर में सबके बेडरूम, जैसे कोई भी रूम है, ठीक है, तो उस रूम के आप फोर कॉर्नर्स पे आप जाएंगे, और वहां पे आपने इस बेल को आपने बजा देना है. अगेन इसको करने से भी देखिएगा, आपके जो भी घर में कोई स्टक एनर्जी होगी वो बाहर निकलेगी. ठीक है, हो सके तो अपने घर का जो फर्नीचर है थोड़ा थोड़ा, यू नो, मूव करिए. राइट, सो जैसे कोई चेयर है, जैसे आप मेरे यहाँ पे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे चेयर है, तो हल्का सा इसको हमने शिफ्ट कर दिया, सो यानी एनर्जी मूव हो गई. ठीक है ना, सो ऐसे आप कर सकते हैं. दूसरा, जब सुबह में, जब, यू नो, सबके घर में सफाई होती है, झाड़ू लगता है, यस, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको मैं एक बहुत पावरफुल कुछ, यू नो, लाइन्स बताने जा रही हूँ. वो लाइन्स आपने जस्ट बोलनी है. राइट, वो लाइन्स आप क्या बोलेंगे, जब, यू नो, कूड़ा जब आप बाहर कर रहे होंगे, जब वो गार्बेज आप बाहर कर रहे होंगे, जैसे झाड़ू के टाइम पे, ठीक है, झाड़ू के टाइम पे जब लेके जाते हैं ना, सब कचरा हम जब घर के बाहर लेके जाते हैं, या आप वो एक उसमें, यू नो, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सो जो, जब उस प्रोसीजर में आपने ये लाइन्स बोलनी है, क्या बोलना है, आई एम नाउ प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स इन ऑल सिचुएशंस ऑलवेज एंड ऑलवेज. ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आई एम नाउ प्रोटेक्टेड ऑल एट ऑल टाइम्स इन ऑल सिचुएशंस ऑलवेज एंड ऑलवेज. राइट, सो ये इसको हम कहते हैं एक, यू नो, स्पेल कहते हैं, बट इसको किया किसी और तरीके से जाता है, बट ये भी मैंने आपको एक बहुत सिंपल वे बताया है. सो क्लेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस टाइम, यू नो, घर की, तो ये एक तरीका है, आप कर सकते हैं. राइट, और कैसे कर सकते हैं क्लेंसिंग, क्लेंसिंग हम कर सकते हैं कि आपने अपने घर के चार कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा आपने सॉल्ट डाल के रखना है. ठीक है, सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट बहुत ज़्यादा, यू नो, पावरफुल एलिमेंट माना जाता है टू अब्सॉर्ब ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर होम, बिकॉज नेगेटिविटी हमारे घर के चार कॉर्नर्स में जाके कलेक्ट होती है, और कहाँ होती है, सेंटर ऑफ योर होम. तो आपका जो घर का सेंटर होगा, वहां पे आप कुछ एक इस तरह का एक ये बॉल ले लेंगे, मेरे हाथ में तो सेलेनाइट है,
ठीक है। सो इस तरह का आप बॉल ले लीजिए, इसमें 2-3 चम्मच कम से कम आपने उसमें सॉल्ट डाल के सेंटर ऑफ योर होम वहां पे आप छोड़ देंगे। अगेन सेंटर ऑफ योर होम, लाइक आई सेड कि आप सारे के सारे नेगेटिविटी जो है उसको वो पुल करेगा, खींचेगा, और फिर इसको आप नेक्स्ट डे, यू नो, 24 आवर्स के बाद आप इसको फ्लश आउट कर देंगे, राइट? तो ये हो गया हमारा क्लेंजिंग। अब क्या करना है, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी एक मैं रिचुअल बताने जा रही हूँ। सो आपने क्या करना है कि अपनी एक लेना है बेलीफ, ठीक है, हम रिलीज आउट करने जा रहे हैं, है ना? सो आप क्या करेंगे, रात को आप बैठेंगे अंडर द मूनलाइट। आपके घर में कहाँ पे, किस कॉर्नर में मूनलाइट आ रही है? अगर तो आपके घर के बाहर लॉन है तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर छत है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो सबके घर में कोई छोटी सी बालकनी होती है, आप वहां जा सकते हैं, ठीक है? और आपने लेनी है ये बेलीफ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेलीफ लेंगे, स्मचिंग हो गई, क्लेंजिंग हो गई, सब कुछ प्रोसीजर हो गया। अब आप चलाएंगे एक कोई भी वाइट कैंडल, राइट? अब उसके बाद जो है वाइट कैंडल जलाने के बाद इस बेलीफ पे आप लिखेंगे That I release what no longer serves me. ठीक है? I release what no longer serves me. अब intention should be very very clear. What no longer serves you means आपने वो thought यहाँ पे create करना है कि क्या वो ऐसी चीज है कि जिससे जिस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप उसको अपनी life से निकाल देना चाहते हैं, चाहे वो कोई इंसान है, ठीक है, चाहे वो कोई ऐसा यू नो कोई हेल्थ इश्यू है, राइट? तो वो कोई किसी तरह का कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, या कुछ भी ऐसा कोई यू नो हैवी इमोशन है, बस आपने उस थॉट को यहाँ पे लेकर आना है। देखिए सारी चीजें मिक्स मत करिएगा कि मैं उस इंसान को भी सोच लूँ, मैं अपने फियर को भी सोच लूँ, मैं एंजाइटी, नहीं, पिकअप वन थिंग, राइट? आपने वो एक चीज सोचनी है, वो एक चीज सोचने के बाद आपने यहाँ पे इस बेलीफ पे लिखना है जो मैंने आपको बताया। वो करने के बाद कैंडल आपकी जल रही है, आपने इस कैंडल पे जो है इस बे लीफ को आपने बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद जो एशेस बचेंगी उसको आप फ्लश आउट करेंगे, राइट? यस, यू हर्ड मी राइट, आप उसको फ्लश आउट कर देंगे अंदर आके, ठीक है? उसके बाद जो है आप वापस से बाहर जाके आप बैठ सकते हैं, मून लाइट में यू नो आप मून मेडिटेशन कर सकते हैं, मून मेडिटेशन आप करिए, और आपको रिलीज आउट करना है तो मून वाटर बनाइए। चलिए मून वाटर के लिए, आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मून वाटर के लिए मैं आपको एक अलग से दूसरा वीडियो में यू नो बना के उसको मैं अपलोड करवाती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा दैट ड्यूरिंग फुल मून आप किस तरह का मून वाटर बनाएंगे कि जिसकी हेल्प से भी आप यू नो रिलीज आउट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में से, ठीक है? सो उसके लिए मैं एक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यू नो कंटिन्यूशन में मैं बनाती हूँ, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा, राइट? सो इस वीडियो में बस इतना ही, बिकॉज आई थिंक काफी लंबा हो गया, और जितना मैंने बताया है उसके ऊपर थोड़ा सा यू नो ये सब चीजें आप करिए और देखिए आपकी लाइफ में कैसे धीरे 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 चेंजेस आने लगते हैं, आपकी एनर्जीज जो हैं धीरे 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 हाई होंगी और मन शांत होता चला जाएगा, ठीक है? सो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।